तो फाइनली यहाँ पे दूल्हे राजा के साथ, और यहाँ आज उपकर लगा के इसको ठीक किया जा रहा है। दो दो महीने से ही ना आता है, बनानी है, इन लोग से चाय बनवाएंगे। तो यहाँ पे मैं चाय बनवा रही हूँ। भौजाइयाँ हैं, नंद है, बड़ी खड़ूच है। परिवार, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आज आप एक बात सुन के चौंक जाओगे, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं एक मतलब कहाँ पे, कौन सा क्या है यार, मुझे बता दो, मैं भूल गई। मन छुआ दिल छुआ मटमांगरा की पूजा। मतलब आज ना मतलब हल्दी है शायद सबके क्षेत्र में अलग अलग तरीके से, तो कहीं मतलब मटमांगरा बोला जाता है, कहीं मन छुआ, तो कहीं हल्दी प्रोग्राम, वैसे ट्रेंड में हल्दी चल रहा है, हल्दी चल रहा है। मगर जो लोग मतलब जिनके यहाँ हो रहा है प्रोग्राम, वो लोग थोड़ा सा पंजाब से बिलोंग करते, तो लोग आज बताए कि मन छुआ है। ठीक है, तो मन छुआ में ये बात है कि आज आप चौंक जाओगे कि आज हम हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे हैं। चलो 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 चलो। अरे वो तो ले ले। क्या ए पैसा ले लो, उनको पैसा देना पड़ता है। हाँ, वो नेक चलता है, न्योछावर। हाँ, न्योछावर भी कह सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स थोड़ा बहुत पैसा ले ले, क्योंकि ये जानते जैसे सगुन नहीं चलता है तो वो सब चलता है, तो थोड़ा बहुत पैसा चाहिए। और अभी मैं ऐसी खाली हाथ हूँ। लिया यार, मुझे छोटी पर्स में चाहिए, कैसे लेके जाऊंगी मैं पैसे? तो क्या वहां रहोगे औरतों के बीच में? सब लोग थोड़ी ना रहते हैं। तो दुकान से पैसे निकालती हुई, क्योंकि दुकान में ही ज्यादातर हम लोग के फुटकर रहता है, ज्यादा ऐसे फुटकर मिलो, इतना पैसा क्या होगा? अरे थोड़ा मान लो, फिर बेइज्जती नहीं होगी? कोई सब लोग देने लगे तो नहीं दे रहे तो पैसे, तो बेइज्जती क्यों होगी? ज्यादा पैसे की जरूरत ही नहीं। आओ तो चलो फटाफट पहुंचते हैं। अकेले अकेले हमको भी दो। चूरन की गोली जबरदस्त लगती है, इनको बहुत पसंद है, जबरदस्त पसंद है, खरीद के लाते हैं, लेकिन अब इनको खाते देखते हैं हम भी पसंद आ गया तो अब हम खत्म करने लगे होंगे। उसे रख लो, नहीं तो सब लोग देखेंगे क्या सोचेंगे। तो सोचेंगे कि छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची हो क्या? ये देखो, ये लड़के की बहन है। देखो कौन कौन आया है, कौन कौन आया पहले ये देखने। अभी शुरू नहीं हुआ। आप ऐसे ही आए हो? तो जाए फिर अपना काम कर ले, फिर आए। दुल्हा राजा। अरे तो कोई तरह का नहीं चालू हुआ। अरे यार जा रहे फिर हम अपने पार्लर में काम करने, फिर थोड़ी देर बाद। मंचुआ तो मेहंदी कब है? कल शाम को। हल्दी मेहंदी सब कल शाम को है? मतलब कल हम लोग को पीला पहन के आना है। खराबी तो फाइनली फ्रेंड्स अभी यहाँ पे तैयारी हो रही है, यहाँ पे कुछ भी अभी नहीं हुआ है, तो अभी हम फिर से रिवर्स हो रहे हैं अपने काम धंधे पे। और घर वाले एकदम चले जी, चलिए आयुष जी, आयुष जी चलिए जी, चले जी चले। तो फाइनली अभी यहाँ से हम लौट रहे हैं, क्योंकि हमको घर पे भी अभी बहुत ज्यादा काम है, अभी यहाँ पे ज्यादा अरेंजमेंट नहीं हुआ है। फाइनली फ्रेंड्स अभी घर पहुंच रहे हैं, और यहाँ पे जैसे शुरू होगा वैसे मैं आ जाऊंगी, मगर थोड़ा बहुत घर का काम है तो घर का काम निपटा लेते हैं। खोलो मीट, पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मैं घर पे आती हूँ तब तक पता चला कस्टमर हमारा वेट ही कर रहे थे, और उनका फेशियल और ब्लीच दोनों करना था। तो फिर मैं फटाफट उनका मतलब कस्टमर का काम निपटाने के बाद फिर मैं दोबारा से उनके घर की ओर फिर निकल गई, क्योंकि वहाँ पे भी लेट हो रहा था। फिर क्योंकि मतलब जब तक हम ये सब करते ना, डेढ़ दो घंटा मुझे पार्लर में बीत चुका था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे मारो गड़वा रहे हैं, पता नहीं आप लोग क्या क्या बोला जाता है, मतलब ये होता है ना आम की डाल में मतलब हल्दी उल्दी लगा के सगुन किया जाता है, तो ये वही करवा रहे थे, क्योंकि इसमें 5 लोग लगते हैं, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड करवा रहे थे, और वो सब रस्में शुरू हो चुकी थी। बहुत मजा है। ये भी तो आम का ही होता होगा ना यार, रिंकी ना? एक साल तक मगर छोटा नहीं बना रहे हो? ठीक है, और मैं मार आवाज मंडप पे छाएगा क्या? यहाँ पे रस्म निभाते हुए छोटे भाई का माड़ो छवा रहे हैं,
पांच पुरुष मिलके, पांच हट्टे कट्टे पुरुष मिलके हो गया। लगाओ पापा पान दाने पी। चलो पार्टी वैसा नहीं है। मोटी पार्टी मोटा है। ये बढ़िया लग रहा है ना। मैं भी थोड़ा सा खाऊं। थोड़ा सा तो पूरा ले ले। नहीं। अच्छा मैंने पूरा खा लिया। ये मैंने भी खा लिया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पानी उन्हें पीने के बाद पता नहीं आप लोग क्या भी होता होगा कि यहाँ पे तालाब की मिट्टी ला करके मतलब बनाया जाता है, मतलब चूल्हा उल्हा कुछ ऐसा टाइप का कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, मतलब वो सगुन होता है और तालाब की मतलब उसी मिट्टी में ही और ये सब गाड़ा जाता है, मतलब ये जो होता है मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल नहीं पता है इसके बारे में। फिर वो वही सब करने के लिए तो अब भाई शहर में तो ये सब चीज़ें मिल नहीं पाती, तालाब उलाब नहीं मिल पाता, वहाँ की मिट्टी नहीं मिल पाती, तो वहाँ पे हमारे घर के पीछे ही एक नहर है, वहाँ से मिट्टी पहले से ही ला के रख दिया गया था घर के सामने ही। सब हो गया, पूरा हो गया, कोई फायदा ही नहीं मिला। हम हमेशा लेट लतीफ है पहुँचते, जब सारा प्रोग्राम खत्म हो जाता तब सृष्टि से नेता लोग ना सेलिब्रिटी है इसीलिए लेट पहुँचते हैं। सही है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स से ये जो भैया हमसे बात कर रहे थे ये मेरे घर के बगल में ही रहते हैं, इनका नाम कंदर्प है। और मैं आपको बता दूँ हमको कह रहे थे कि आप काफ़ी लेट हो, तो मैं वही बता रही थी मैं हमेशा लेट ही रहती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स इसका रीज़न भी है कि कहीं ना कहीं हमारा पार्लर होने के कारण मुझे लेट रहता ही है, क्योंकि आप जब घर में बिजनेस करते हो या आप कोई भी चीज़ है, जैसे आप टीचर हो बिजनेस कर रहे हो कुछ भी है, तो आपका नॉर्मल लोगों से आपका शेड्यूल अलग रहेगा। और सबसे बात ये है ना कि वेडिंग सीजन में तो मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी होती हूँ, लोग वेडिंग सीजन में सोचते हैं कि मैं उनके घर जाऊँ और मैं उनके यहाँ क्यों नहीं जा पा रही हूँ, तो मैं आपको रीज़न भी ये भी बता दूँ क्योंकि वेडिंग सीजन में मैं और ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग के यहाँ एक रस्म होती है, आप लोग क्या भी शायद होती होगी, हर बात में मैं पूछ भी रही हूँ आप लोगों से, क्या आप लोग का भी मिलता जुलता रस्म होता है कि नहीं बताइएगा जरूर। यहाँ पे तेल दिया जाता है, मतलब तेल और चावल में चने का मतलब दाल मिला करके वो सबको जितनी भी महिलाएं आती हैं उनको दिया जाता है, तो वही सब सारी चीज़ें मैं निकाल ली थी। तो फ्रेंड्स ये सब हम यहाँ पे देख चुके थे और जो भी थोड़ा बहुत चावल बचा था वो मैं सोची लॉ किचन में ले जाके रख दूँ। और उसके बाद यहाँ पे हम आ करके मतलब थोड़ी देर के लिए बैठ गए, क्योंकि तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा क्योंकि जो लड़का था वो मतलब तैयार हो रहे थे, मतलब जिनका शादी था, और इसलिए यहाँ पे आंटी जी हैं, इन्हीं के बेटे हैं और ये जो पीछे दीदी इनके इनका भाई है। तो प्लान हो रहा था कि कल कैसे कैसे क्या क्या किया जाएगा, तो वही प्लान के हिस्सेदारी मैं भी बन रही थी कि मतलब क्या ऐसा किया जाए, वैसे थोड़ा सा एडवाइस मैं भी कर रही थी कि ऐसा कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे बात ही उन लोगों से हमारी, देखी कितनी तेज़ की गहरी मीटिंग हो रही थी कि हम लोगों को प्लान बता रहे थे कि क्या क्या कल किया जाए, कैसा कैसा कल का प्रोग्राम रखा जाए। और अच्छा भी लगता है फ्रेंड्स कि एक दूसरे की बातें सुन करके, एक दूसरे की बातें मतलब मतलब एक दूसरे को मतलब हम कभी कभी होता है ना कि मतलब मैं उसको शब्दों में नहीं बयां कर पा रही हूँ, जैसे आपसे कोई सलाह लेता है और सलाह देना और आपकी सलाह मानना, अगर ऐसा कोई करता है ना तो आपको खुद बहुत अच्छा लगता होगा, आपको भी ऐसा अच्छा लगता होगा, सलाह लेकर के किया गया काम हमेशा अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए आपसे बात ही कर रहे थे यहाँ पे, उसके बाद जो मेरे देवर जी हैं वो आ भी गए तब वहाँ पे मंडप के नीचे, और यहाँ पे इनको हल्दी लगना शुरू हो गई, ये भी इनकी भाभी लगती हैं। और यहाँ पे हल्दी लगना शुरू हो गई तो सब एक एक करके जितनी भी महिलाएं थी वहाँ पे सब लोग उनको हल्दी लगा रहे थे, और वही सब लोग लगाएंगे तो मैं कैसे नहीं लगाऊंगी। तो मैं भी अपनी बारी का यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी, ये सब आंटियाँ हैं मोहल्ले की, ये सब लगा रही थी, और ये इनकी मामी हैं, मामी जी भी यहाँ पे हल्दी लगाई थी। तो बस इसके बाद मेरा भी नंबर था और मैं भी यहाँ पे प्यार से हल्दी लगा रही थी। मुझे ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे ये सब रस्म निभाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब करना। और वैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आधा रस्म ख़त्म हो चुका था, खुशी लेट हो चुकी थी, ये ब्लैक टी शर्ट में खुशी रानी खड़ी है, और ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा लेट थी क्योंकि आधी रस्म यहाँ पे ख़त्म हो चुका था, ये काफ़ी लेट लतीफ थी मैडम। तो फाइनली यहाँ पे दूल्हे राजा के साथ और यहाँ पे इनको उत्तर लगा के गोरा करने की कोशिश की जा रही है।
आप चार दिन हम लोग इसको दो दो महीना ना नहाते हैं, प्लीज दो दो महीने गर्मी में नहीं नहाते, जब बिल्कुल ही गर्मी पड़ती तभी नहीं नहाते। बेचारा आज उपकर लगा के इसको ठीक किया जा रहा है, दो दो महीने से नहीं नहाता है। हैप्पी है, अंदर गुनगुने छूट रहे हैं। और ऐसे ही मैं इसको चढ़ाती रहती हूँ, ये देवर लगता है तो इसलिए, और ये पहली बात तो सबसे अच्छी बात तो इसके अंदर ये है कि इसको कुछ बुरा नहीं लगता है, तो इसलिए हम इसको चढ़ा भी लेते हैं थोड़ा बहुत। और फ्रेंड्स यहाँ पे शादी के गाने हो रहे थे, तो ये जो गाने होते हैं ये मुझे थोड़ा कम आते हैं, मतलब आते ही नहीं है, तो मैं वही हंस रही थी। मुझे जैसे बन्ना बन्नी और दुर्गा गीत इस टाइप की चीज़ें आती है तो वो मुझे बिल्कुल नहीं आती, और सब लोग कह रहे थे मैं कंपनी दूँ पर मैं कंपनी नहीं दे पा रही, तो इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। नहीं बनानी है, इन लोग से चाय बनवाएंगे, तो यहाँ पे मैं चाय बनवा रही हूँ। भौजाइयाँ है, नंद है, बड़ी खड़ूच है। अरे यार जितनी नंद भौजाइयाँ सब ऐसे बदनाम होते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे चाय बनवाते हुए, और यहाँ पे काफी लोग बैठे हुए हैं, तो ये हो रहा है चाय बन जाए, थोड़ी सी बिस्किट नमकीन खा लिया जाए, तब जाया जाए घर, क्योंकि किसी के घर आओ ना चाय नहीं मिलती ना तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत खराब लगता है। और फ्रेंड्स मैं ऐसे ही हूँ, बहुत चंचल स्वभाव की, और मैं ऐसे ही लोगों से हंसी मजाक करती रहती हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिससे मैं हंसी मजाक करती हूँ वो सब लोग बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करते, उन लोग जानते हैं कि ये मेरा स्वभाव है, मैं लोगों के साथ हंसी मजाक किया घुल मिलकर बहुत ज़्यादा रहती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मैं सीरियस मोड पे नहीं रह पाती हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हुआ कि मैं सबसे बात करते ही करते हम दोनों लोग निकल गए, फिर तब तक दीदी आती हैं, मतलब दीदी आती हैं और कहती दी भाभी भाभी आपका मतलब तेल छूट गया है, और उनका यार इतना भयंकर गला मतलब बैठा रहता है कि मेरे हस्बैंड उनका बम्पर मजाक उड़ा लेते हैं। और ये जो दोनों लोग हैं, मतलब ये जो दीदी हैं और मेरे हस्बैंड जो है, ये दोनों खूब हंसी मजाक एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। क्यों चढ़ाते हो यार तुम लोग एक दूसरे को, सगे भाई बहन वाले हो, एकदम से छत्तीस में रहती है, एकदम बड़ी मामी कहाँ, सगा भाई भी इतना ना चढ़ाता हो जितना ही चढ़ाते हैं। क्या होता है भाई बहन में चढ़ाना ही होता है ना, पटती नहीं है ना। बस फाइनली मैं अपना ये छोटा सा ब्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी, और मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल पे बनाए रखा करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।